السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. आज हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 8 से शुरू करेंगे. रब्बाना, ए हमारे रब, ला तो जिक, ना तो टेढ़ा कर, कुलूबाना हमारे दिलों को, बादा इज इसके बाद के, हदायताना तूने हदायत दी हमें, वाहबलाना और अता कर हमें, मिल्ला दुन का हमें अपने पास से, रहमाता रहमत, इन्ना का अंता बेशक तू ही है, अंतल वहाब बड़ा अता करने वाला. रब्बाना आयत नंबर 9. रब्बाना ए हमारे रब, इन्ना का यकीनन तू जामे उन्नासी जमा करने वाला है लोगों को, लियोमिन एक ऐसे दिन में, ला रैबा कि नहीं है कोई शक, ही इसमें, इन्नल्लाह बिलाशुबा अल्लाह ताला, ला युखलिफुल मियाद नहीं खिलाफ वर्जी करता अपने वादे की. चूंकि यहाँ सराते मुस्तकीम को इख्तियार करने वाले और उससे मुनहरफ होने वाले दो किस्म के लोगों का जिक्र हो रहा है, इसलिए अल्लाह ताला ने मोमनों को तालीम दी है कि वो अल्लाह ताला से ईमान पर साबित कदमी की दुआ किया करें और इस बात का दिल से इकरार करें कि वो मरने के बाद जिंदा होने पर और जजाओ सजा पर यकीन रखते हैं, और ये कि अल्लाह ताला ने जो वादा किया है सो वो होकर रहेगा. सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ पढ़ा करते थे, या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख. आमीन. आयत नंबर 10 और 11. इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जिन्होंने कफारू कुफ्र किया, लंतुगनी या हरगिज नहीं काम आएंगे, अनहुम उनके, अमवालुहुम उनके माल, वला और ना औलादुहुम उनकी औलाद, मिनल्लाही अल्लाह ताला के अजाब से, शैयान कुछ भी, वाउलाइका हुम और यही लोग हैं, वकूदुन्नार ईंधन आग का. आयत नंबर 11. कदाबी आले फिरौना, आले फिरौन की आदत के मानिंद. वल्लाज़ीना और उन लोगों की जो मिन काबलिहिम उनसे पहले थे, कज़्ज़ाबू उन्होंने झुठलाया, बे आयातीना हमारी आयतों को, फ़अख़ज़ाहुमुल्लाहु तो पकड़ लिया उनको अल्लाह ताला ने, बिज़नूबिहिम उनके गुनाहों के सबब, वल्लाहु और अल्लाह ताला शदीदुल इक़ाब इंतहाई सख्त सजा देने वाला है. क़यामत के जिक्र के बाद अब ये बयान किया जा रहा है
कि वो तमाम लोग जिन्होंने अल्लाह ताला का इनकार किया और रसूलों की तकजीब की जहन्नम में ज़रूर दाखिल होंगे, उनका माल और उनकी औलाद उन्हें अल्लाह ताला के अजाब से नहीं बचा सकते, और दुनिया में भी उनका हशर फिरौन और उन लोगों जैसा होगा जिन्होंने अल्लाह ताला की आयात की तकजीब की कि अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों के सबब उन्हें पकड़ लिया और अजाब आखरत से पहले ही दुनियावी मुसीबतों और अकूबतों में मुबतला किया। इरशाद बारी ताला है, वला तुजिब का अमवालुहुम वला औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबाहुम बिहा फिल हयाति दुनिया वतज़हका अनफुसुहुम वहुम काफिरून, सूरत अत्तौबा में। सो तुझे ना उनके अमवाल भले मालूम हूँ और ना उनकी औलाद, अल्लाह ताला तो यही चाहता है कि उन्हें उनके जरिए दुनिया की जिंदगी में अजाब दे और उनकी जाने इस हाल में निकले कि वो काफिर हों। और फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारं व कूदुहन नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकातुन गिलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाहा मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युमरून, सूरत अत-तहरीम में। ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं, इस पर सख्त दिल बहुत मजबूत फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते, और जो वो उन्हें हुक्म दे और वो करते हैं जो हुक्म दिए जाते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ ज़ुबैर बिन अवाम की माँ और अल्लाह के रसूल की फूफी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हु अन्हा, अपनी जानों को अल्लाह ताला से खरीद लो, मैं अल्लाह ताला के गज़ब से तुम्हें बचाने के मामले में तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आ सकता। आयत नंबर 12। कुल कह दीजिए, लिल्लज़ीना उन लोगों से जिन्होंने कफारू कुफ्र किया, सातु ग्लाबूना अनकरीब तुम मगलूब किए जाओगे, वतुहशरूना और तुम इकट्ठे किए जाओगे, इला जहन्नमा जहन्नम की तरफ, वबिसल मिहाद और वो बुरा है ठिकाना। इससे मुराद मदीना के यहूदी हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर के बाद जब मदीना मुनव्वरा वापस आए तो बनू कैनका के बाज़ार में तमाम यहूदियों को जमा किया और फरमाया, ऐ जमात यहूद, तुम लोग इस्लाम ले आओ, कबल इसके कि तुम्हारा भी वही अंजाम हो जो अहले कुरैश का हुआ। तो उन्होंने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इस बात से धोखे में ना आना कि जंग से ना वाकिफ मुट्ठी भर कुरैशियों को कत्ल करके आ गए हो, अगर हमसे जंग हुई तो
तो समझ जाओगे कि हम कौन लोग थे। और ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह ताला का वादा पूरा हुआ कि बनु कुरैज़ा कत्ल कर दिए गए, बनु नज़ीर को जिलावतन होना पड़ा और खैबर फतह हुआ और बाकी लोगों को जिजिया देना पड़ा। आयत नंबर 13। कर तहकीक काना है लकुम तुम्हारे लिए आयातुन अजीम निशानी फी फे आतैने इन दो ग्रोहों में निल तका था जो बाहम लड़ाई के लिए मिले फे आतुन एक ग्रोह तो कातिलो लड़ता था फी सबीलिल्लाही अल्लाह ताला की राह में व उखरा और दूसरा काफिरातुन काफिर था या रौना हम वो मुसलमान देखते थे उनको मिसलई हिम अपने से दुगना रायल ऐन ज़ाहरी आँख से देखना वल्लाहु और अल्लाह ताला यु अयीदु कुव्वत देता है बिनस्र ही अपने नुसरत के साथ मैं यशाओ जिसको चाहता है इन्ना बिला शुबा फी जाली का इसमें ला इब्रतन अलबत्ता इब्रत है लिउलिल अबसार अहले बसीरत के लिए। जहां भी मुखातब यहूदे मदीना है कि गजवाए बदर में जो कुछ हुआ उससे तुम्हें इब्रत हासिल करनी चाहिए थी और समझ लेना चाहिए था कि अल्लाह ताला अपने दीन को गालिब करके रहेगा और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ज़रूर करेगा। फ़ियातुन तो कातिलू फी सबीलिल्लाही से मुराद अल्लाह ताला के रसूल और सहाबा कराम रज़ियल्लाह अन्हुम हैं जिनकी तादाद 313 थी और व उखरा काफिरातुन से मुराद मुशरकीन कुरैश हैं जिनकी तादाद 1000 के करीब थी या रौना हम मिसलईहिम रायल ऐन यानी हर फरीक दूसरे फरीक को अपने से दुगना देखता था। काफरों की तादाद 1000 थी उन्हें मुसलमान 2000 के करीब दिखाई देते थे। मकसद इससे उनके दिलों में मुसलमानों की धाक बिठाना था और मुसलमानों की तादाद 313 थी उन्हें काफिर 2000 और 700 के दरमियान नजर आते थे। मकसद इससे मुसलमानों के अज़्म व हौसला में इजाफा करना था। अपने से 3 गुना देखकर मुमकिन था कि मुसलमान मरूब हो जाते लेकिन जब वो 3 गुना की बजाय 2 गुना नजर आए तो उनका हौसला पस्त नहीं हुआ। लेकिन ये दुगना देखने की कैफियत इब्तिदा में थी, फिर जब दोनों गुरोह आमने सामने सफ अरा हो गए तो अल्लाह ताला ने इसके बरअक्स दोनों को एक दूसरे की नज़रों में कम करके दिखाया ताकि कोई भी फरीक लड़ाई से गुरेज ना करे बल्कि हर एक पेशकदमी की कोशिश करे। इब्ने कसीर सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ने फरमाया व इज युरीकुमुहुम इज़ इल्तकैतुम फी अय्युनिकुम कलीलम व युकल्लिलुकुम फी अय्युनिहिम लियक्ज़ल्लाहु अम्रन काना मफ़ऊला व इलल्लाही तुरजाउल उमूर। जबकि उसने बवक्ते मुलाकात उन्हें तुम्हारी निगाहों में बहुत कम दिखाए और तुम्हें उनकी निगाहों में कम दिखाए ताकि अल्लाह ताला इस काम को अंजाम तक पहुंचा दे जो करना ही था और सब काम अल्लाह ताला ही की तरफ फेरे जाते हैं। सूरह अनफाल में ये अल्लाह ताला ने फरमाया।
ये जंगे बदर का वाकया है जो हिजरत के बाद दूसरे साल मुसलमानों और काफरों के दरमियान पेश आया। ये कई लिहाज से नहायत अहम जंग थी। एक तो इसलिए कि ये पहली जंग थी, दूसरे ये जंगी मनसूबा बंदी के बगैर हुई। मुसलमान अबू सुफियान के काफले के लिए निकले थे जो शाम से सामान तजारत लेकर मक्का जा रहा था, मगर इतला मिल जाने की वजह से वो अपना काफला तो बचाकर ले गया, लेकिन कुफारे मक्का अपनी ताकत और कसरत के घुमंड में मुसलमानों पर चढ़ आए और मकाम बदर में ये पहला मुआरका बरपा हुआ। तीसरे इसमें मुसलमानों को अल्लाह ताला की खुसूसी मदद हासिल हुई। चौथे इसमें काफरों को इबरतनाक शिकस्त हुई जिससे आइंदा के लिए काफरों के हौसले पस्त हो गए। आयत नंबर 14। ज़ुय्यिना मुज़य्यन कर दी गई है लिन्नासी लोगों के लिए हुब्बु शहावाती मोहब्बत नफसानी ख्वाहिशों की मिनन निसाई यानी औरतों की वल बनीना और बेटों की वल कनातीरे और जमा किए हुए रिल मुकान ताराती खजानों की मिनज जहाबी सोने के वल फिजाती और चांदी के वल खैल मुसवमाती और निशान जदा घोड़ों की वल अनआमी और चौपायों की वल हरसी और खेती की जाली का ये सब मताउन समान है। उल हयात दुनिया हयात दुनिया का वल्लाहु और अल्लाह ताला इंदाहु उसी के पास है हुस्नुल माब अच्छा ठिकाना। इस आयत से रहबानियत की तर्दीद और तहरीक खानदानी मनसूबा बंदी की तर्दीद भी साबित होती है, क्योंकि बनीन उन जमा है माल और दौलत से भी मकसद कयाम मशियत सिला रहमी सदका और खैरात और उसे अमूर खैर में खर्च करना और सवाल से बचना है ताकि अल्लाह ताला की रजा हासिल हो, तो उसकी मोहब्बत भी ऐन मतलूब है। वरना मजमूम घोड़ों से मकसद जिहाद की तैयारी, दीगर जानवरों से खेती बाड़ी और बार बरदारी का काम लेना और जमीन से इसकी पैदावार हासिल करना हो तो ये सब पसंदीदा हैं, और अगर मकसद महज दुनिया कमाना और फिर इस पर फख्र व गुरूर का इजहार करना और याद इलाही से गाफिल होकर ऐशो इशरत से जिंदगी गुजारना है तो ये सब मुफीद चीजें उसके लिए बबाले जान साबित हो सकती हैं। पिछली आयात में बयान हुआ कि काफरों को उनके तमाम दुनियावी उमार अमवालो असबाब काम ना आए और जंगे बदर में गाजर मूली की तरह कत्ल कर दिए गए। अब इसी दुनिया और इसकी लज्जतों की हकारत शान बयान करके लोगों को अल्लाह ताला की जन्नतों के हसूल की तरगीब दिलाई जा रही है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहावाति मिनन निसाई यानी वो चीज़ें जो तबई तौर पर इंसान को मरगूब और पसंदीदा हैं, उनमें सबसे पहले औरत का जिक्र किया गया है, क्योंकि ये बालिग इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा मरगूब भी। सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने बाद कोई ऐसा फितना नहीं छोड़ा जो मर्दों के लिए औरतों से ज़्यादा नुकसान दे हो।
सईद बिन जबीर रहिमहुल्ला बयान करते हैं कि मुझसे सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या तूने शादी की है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने फरमाया, शादी करो, क्योंकि इस उम्मत के बेहतरीन शख्स जो थे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बहुत सी बीवियां थी। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमरु रज़ियल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया सामान ज़िंदगी है और दुनिया का बेहतरीन सामान वो नेक बीवी है कि जब वो उसकी तरफ देखे तो वो उसे खुश कर दे, अगर उसे हुक्म दे तो उसकी अतात बजा लाए, और अगर वो उससे गायब हो तो ये अपने नफ्स और उसके माल की हिफाजत करे। सैयदना अंस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों और खुशबू से मुझे मोहब्बत है और मेरी आँख की ठंडक नमाज में है। वल बनीना, बेटों से मकसद अगर मुसलमानों की कुव्वत में इजाफा और बकाओ तकसीर नस्ल है तो महमूद है, वरना मजमूम। सैयदना मौक्कल बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़्यादा मोहब्बत करने वाली और ज़्यादा बच्चे जन्म देने वाली औरत से निकाह करो, क्योंकि क़्यामत के दिन तुम्हारी कसरत की वजह से मैं दिगर उम्मतों पर फ़ख्र करूँगा। वल कना तीर मुकान तारा थी मिनज़ाहबी वल फिज़ाती। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक किन्तार 12,000 उकिये के बराबर है। वल खैलिल मुसव्वमाती। सैयदना अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर अरबी घोड़े को सुबह के वक्त 2 दुआएं करने की इजाज़त दी जाती है, तो वो ये दुआ करता है कि ऐ अल्लाह, तूने इंसानों में से जिसे भी मेरा मालिक बनाया है तू मुझे उसके सबसे पसंदीदा अहल और माल में से बना दे, या ये कहता है कि मुझे उसका सबसे ज़्यादा पसंदीदा अहलो माल बना दे। ज़ालिका मताउल हयात दुनिया। इरशादी बारी ताला है, इलामु अन्नामल हयात दुनिया लाइबुन व लहमुन व ज़ीनातुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद का मसाली गैसिन आजाबल कुफारा नबातुहु सुम्मा यही जो फतारा हो मुसफरन सुम्मा यकूनु हुतामा वफिल आखिराती अजाबुन शदीद व मग़फिरातुम मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सूरह अल हदीद में, जान लो कि बेशक दुनिया की जिंदगी उसके सिवा कुछ नहीं कि एक खेल है और दिल लगी है और बनाओ श्रृंगार है और तुम्हारा आपस में एक दूसरे पर बड़ाई जताना है और अमवाल और औलाद में एक दूसरे से बढ़ जाने की कोशिश करना है। इस बारिश की तरह जिससे उगने वाली खेती ने काश्तकारों को खुश कर दिया, फिर वो पक जाती है, फिर तो उसे देखता है कि जर्द है, फिर वो चूरा बन जाती है और आखरत में बहुत सख्त अजाब है और अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी बख्शिश और खुशनुदी है और दुनिया की जिंदगी धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माब। इरशाद फरमाया, अल्मालु वल्बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल्बाकियातु सालिहातु खैरुन इंदा रब्बी का सवाबं व खैरुन अमला।
सूरत अलकाफ में माल और बेटे दुनिया की जिंदगी की जीनत हैं और बाकी रहने वाली नेकियां तेरे रब के हाँ सवाब में बेहतर और उम्मीद की रूह से ज्यादा अच्छी हैं। और फरमाया बल तो उसे रून अल हयात दुनिया वल आखिरातु खैरुम व अबका सूरत अल आला में बल्कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो हालांकि आखरत कहीं बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। सुभाना रब्बी का रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।